ज़माना तो है नौकर बीवी का, दिन ज़माना तो है नौकर बीवी का। लोग मुझे क्यों देते हैं ताना, मैं हूँ बीवी का दीवाना। ज़माना तो है नौकर बीवी का, हाँ ज़माना तो है नौकर बीवी का। Thank you, thank you. Oh my God, तालियां और भी जोरदार होनी चाहिए. Thank you. Ladies and gentlemen, तालियों और सीटियों के साथ स्वागत कीजिए the he-man of the film industry और इंडियन आइडल परिवार के परमानेंट सदस्य पद्मभूषण धर्मेंद्र जी. ज़माना तो है नौकर बीवी का. और उनके साथ आज पहली बार वो खूबसूरत अदाकारा जो होठों से छू ले तो हर गीत अमर कर दे, जिनको देखने के लिए मेरे पापा छोड़ देते हैं कामकाज, अनीता राज. तालियां. अनीता कहीं बाहर लुक्का छुपी खेल रही थी. मैंने कहा चल आज मैं तुझे इंडियन आइडल के सेट पे ले चलता हूँ. धर्म पाजी आप कितने हसीन लग रहे हो, इतने हैंडसम लग रहे हो कि जितनी तारीफ की जाए कम है. सर ये राज क्या है, इतना हैंडसम लगने का? धर्म भाई राज क्या है? लव यू ऑल. ये सब आप लोगों की मोहब्बत का अक्स है मेरे चेहरे पे. आप जो मोहब्बत देते हो मेरे चेहरे पे आ जाती है और ये मैं बटोर लेता हूँ. मोहब्बत बटोरना मुझे बहुत आता है. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सर, थैंक यू मैम. और प्लीज टेक अ सीट एंड एंजॉय द शो. तालियां. जगयमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैंने प्यार कर दी है. धर्म जी तो फिटनेस को पूरा पी गए हैं आज, जो ग्लो कर रहे हैं. और एवरी टाइम जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि धर्म जी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ही लुक्स रियली रियली हॉट. द सुपर धर्म जी. धर्म जी एक और बात बता दो, धर्म जी फिटनेस वाज इनबॉर्न. इनबॉर्न है जो भी है, इनके ये डोले शोले नजर आते हैं. ये अनीता जी, हम लोग जलजला की शूटिंग कर रहे थे जी कश्मीर में, तो ये योगा टीचर बनी हुई थी. अच्छा. और इन्होंने योगा स्कूल खोल लिया होटल के अंदर ही. ये ब्यूटिशियन भी हैं. That's why I think she has maintained so well. God bless her. नजर ना लगे. Absolutely. तो अनीता जी, धर्मपा जी, इंडियन आइडल की सिंगिंग का अखाड़ा खोल दें. Absolutely, absolutely. Contestants ready हैं आप? बस शुरू हो जाओ. मैम और सर, एक क्वेश्चन है. जब भी हम सब ने आप दोनों को देखा, इतनी फिट लग रहे हैं आप दोनों और इतने सुंदर लग रहे हैं, ये फिटनेस का राज क्या है? एक छोटे सा मैं आपको किस्सा बताना चाहती हूँ. बट 3-4 साल पहले तो एक पोजीशन होती है प्लैंक जिसे कहते हैं, फॉर योर एब्डोमिनल. तो वो प्लैंक मैंने 61 मिनट्स के लिए किया था नॉन स्टॉप. ओह माय गॉड. क्या माय गॉड. या 61 मिनट्स के लिए. 61 मिनट्स एक स्ट्रेच में. एक स्ट्रेच में. बट आसानी से नहीं होता है, उसके लिए बहुत मेहनत होती है. And you know the position of the plank. बिल्कुल सर. Just let the world see. It is so difficult. 5 सेकंड ही हो सकता है. ये जो प्लैंक है, उसको ऐसे करते हैं. ये. Yes. Oh my God. 61 minutes. 61 minutes के लिए. Wow. Thank you. Thank you. Thank you. Extraordinary. वाह वाह वाह। जब आपने सेकंड सॉन्ग गाया उसमें सेकंड लाइन है कुछ भी यहाँ ना होता। When you were saying ना होता ना, तो उसका जो ना था उसमें जो ईज थी ना अरुणिता, एक बार आप गा के बता दीजिए। ऐसा समा ना होता कुछ भी यहाँ ना होता। क्या बात, ब्यूटीफुल। धर्म जी की एक एपिक फिल्म थी जो बहुत मुश्किल फिल्म थी और उसका मुकाबला आज तक कोई फिल्म कर नहीं पाई है, जिसका नाम है शोले। मुझे लगता है कि ये परफॉर्मेंस भी ऐसा है जो हमारे इंडियन आइडल की इस जीजीटी का शोले है। वाओ, आउटस्टैंडिंग, एपिक एपिक परफॉर्मेंस। मैं तो गंग हो गया हूँ, बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा गाना। थैंक यू सो मच। शायद घुल गया हो कानों में, बहुत प्यारा गाना। मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे। आपने बेटा बहुत सुंदर गाया। ये गाना आर.डी. बर्मन जी का म्यूजिक था और लता जी ने गाया था। I mean, I was so lucky कि मेरे काफी गाने लता जी ने और आशा जी ने गाए हैं। वाह। कि सजन सावन में, कि तारी हो गया मुझे। My God। बहुत खूब। एक बार धर्म जी के लिए जोरदार तालियां, उनकी फिल्मों के लिए तालियां। Oh my God, सर आपके जैसा कोई नहीं। Genuinely। Fabulous, आइली मैं तो रोंटे खड़े हो गए हैं मेरे। क्या गाया आपने दिल से और इश्क हो गया मुझे आपसे। बहुत थैंक यू। बहुत खनक के साथ साथ लचक भी थी जी। वो खनक और लचक जब होती है उसका अपना ही अंदाज होता है और जिस ढंग से गाया है जी चाहे इनको गले लगा लो। बहुत खूब, बहुत ही खूब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये मेरा एटर्नली फेवरेट सॉन्ग है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का और धर्म पाजी जो लगे हैं इस गाने में मुमताज जी के साथ, मतलब तालियां बजनी चाहिए। आई मीन क्या समा बांधा है धर्म पाजी, आपको मैं देखता जा रहा था। और सायली तुमने क्या गाया इस गाने को, इतना लाइव गाना, ब्यूटीफुल सायली। यू आर एन आउटस्टैंडिंग सिंगर। मतलब 15 अगस्त को क्या होगा, धमाका होगा। कौन बनेगा इंडियन आइडल, क्या होगा, वो ट्रॉफी किसको मिलेगी, नोबडी नोज। अब तो किस्मत बोलेगी। सायली मैं उठकर ताली बजाना चाहता हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच। ऐसे करो बाजार जाओ, बाजार से एक गजरा लाना चाहिए। गजरा पड़ा हुआ है भाई। क्या बात है सर। अरे गजरे तो मैं मालूम था, मैंने तेरी जरूरत। और वो गजरा ऐसे लेके इनके पास जाइए, जाइए कामले जी जाइए। माय गॉड, ये देखिए इनके जूड़े पे कुछ प्यार से बांधिए। क्या बात है। मैं 19 साल की उम्र में डांस कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, इस बाली उम्र में। इस बाली उम्रिया में मुझे इश्क हो गया। A red rose for you. Oh. Yeah. Look at it. Oh, क्या बात है। बस यही तो है रोमांस, यही तो है। साहिली आपने मौसम बदल दिया। संभाल, लोग मुझे क्यों देते हैं ताना, हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना। अरे तो क्या हुआ, जमाना तो है नौकर बीवी का, जमाना तो है नौकर बीवी का, लोग मुझे क्यों देते हैं ताना, हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना। जमाना तो है नौकर बीवी का, हाँ जमाना तो है नौकर बीवी का। सारे शहर को आँख दिखाए सबको उड़ाए खिल्ली, शोहर बाहर शेर बने पर घर में भीगी बिल्ली। सारे शहर को आँख दिखाए सबको उड़ाए खिल्ली, शोहर बाहर बिल्ली तो घर में भीगी बिल्ली। घर घर का दस्तूर यही है, पपई हो या दिल्ली। जमाना तो है नौकर बीवी का, छोड़ो ना। जमाना तो है नौकर बीवी का, क्या कह रहे हो। जमाना तो है नौकर बीवी का, दादा जी देख रहे हैं। जमाना तो है नौकर बीवी का। क्या बात है। अनीता जी, धर्मपा जी। हाँ जी सर, आपकी एक फिल्म थी जी। और उसमें कमाल का गाना था, जमाना तो है नौकर बीवी का। और ये बात बहुत ही सच है और इसका पर्सनल अनुभव मुझे बहुत रिसेंटली हुआ है, क्योंकि जितना मैं स्टेज पे शेर बनता हूँ वैसा ही मैं घर पे हूँ। बहुत अच्छा गाना। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्या ये मोमेंट फिर से इंडियन आइडल के स्टेज पर रिक्रिएट हो सकता है? एचआर बहुत एक्साइट हो गए हैं। धर्म जी के लिए तालियां, अनिता जी के लिए तालियां और माहौल को बदला जाए। जमाना तो है नौकर बीवी का, दिन 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 दिन। जमाना तो है नौकर बीवी का, लोग मुझे क्यों देते हैं ताना, मैं हूँ बीवी का दीवाना। जमाना तो है नौकर बीवी का, हाँ जमाना तो है नौकर बीवी का। हाँ सारे शहर को आंख दिखाए, सबकी उड़ाए खिल्ली, शौहर बाहर शेर बने पर घर में भीगी बिल्ली। सारे शहर को आग दिखाए, सबकी उड़ाए खिल्ली, शौहर बाहर शेर बने पर घर में भीगी बिल्ली। घर घर का दस्तूर यही है, बम्बई हो या दिल्ली। क्या जमाना तो है नौकर बीवी का, जमाना तो है नौकर बीवी का, हाँ जमाना तो है नौकर बीवी का। वाह वाह क्या बात है, मजा आ गया। अनीता जी, धर्मपाल जी, मजा आ गया। जजेस कैसा लगा हमारा ये? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, क्या बात है। जोरदार तालियां अनीता मैम और धर्म जी के लिए। थैंक यू सो मच सर मैम। चला कर तुम ये मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे, मैं हरदम ही हारा। तुम हार के दिल अपना, मेरी जीत अमर कर दो। तुम हार के दिल अपना, मेरी जीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। ये शर्म है या हया है, क्या है? नजर उठाते ही झुक गई है, नजर उठाते ही झुक गई है। तुम्हारी पलकों से गिर के शबनम हमारी आंखों में झुक गई है। तुम्हारे पलकों से गिर के शबनम हमारी आंखों में झुक गई है। ज़िहाले मस्के मकुन बरंजिश, बहाल हिजरा बेचारा दिल है। सुनाई देती है दिल की धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या कोई शक हमारा दिल है। साथिया नहीं जाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे। मौसम है सुहाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे। जी को है समझाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे। जी का बुरा हाल है जब से जी लगाया तेरे हो लिए, का जो ख्याल था काहे जी लगाया, मुझे जी में बसाया। ए जी बोलिए, हाँ अब का ब्रिलियंट ब्रिलियंट, क्या बात, जीते रहो दानिश, क्या वाकई समा बांध दिया आपने, ले गए मुझे उन वादियों में और इनके साथ हम लोग गुलामी के दिनों में, क्या गाना था ये भी, दोनों गाने बहुत खूब और बहुत ही आपने जान डाल दिया। साथिया नहीं जाना कि जीना। जिहाले मस्की मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स है और ये जो गाना है ये हमने दो सीजन्स में किया था, एक गर्मी थी और एक बहुत सर्दी थी और खासियत ये गाने की ये थी कि रोमांस हुआ बस के ऊपर बैठ के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आज तक इसका मतलब नहीं समझी। अनीता जी, क्या ये सच है कि आपके पापा द लेजेंडरी कॉप ऑफ हिंदी सिनेमा ने इतने 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 फिल्मों में पुलिसमैन का रोल किया था कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ गया था? बिल्कुल सही है। पुलिस वाले समझते थे ये पुलिस रियल पुलिस है। मैं उनके साथ बैठी हुई थी तो उन्होंने सिग्नल रेड सिग्नल क्रॉस किया तो पुलिस वाले ने रोका। जी पापा की तरफ आया और सडनली बोला बोला साहब काय करते रेड सिग्नल, तुम्ही पुलिस वाले आए, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? You know, he was also taken aback, and he used to look excellent in his uniform. Yeah. बिल्कुल real पुलिस वाले लगते थे. Yeah. So I'm so fortunate that he's my father and I'm his daughter. Yeah. Very affectionate person and very friendly. जगदीश राज जी के लिए एक बार जोरदार तालियां. दिलीप साहब वो कोहिनूर हैं जिन पर भारतीय सिनेमा को गर्व है. दिलीप साहब को बहुत लोग अपना आदर्श, अपना गुरु, अपने बड़े भाई मानते थे, जिनमें से एक हमारे धर्म जी भी है. अभी हम सदमे से उभरे नहीं, मैं तो नहीं उभरा हूँ, ये मेरी जान थे. मैंने अपनी जिंदगी की पहली फिल्म इन्हीं की देखी थी और उनको देखकर लगा, इतना प्यार आया कि मैं भी इसी तरह जाकर इंडस्ट्री में जाऊँ, मुझे भी ऐसे ही प्यार मिले. सिंपल, बिल्कुल कहीं भी बैठ जाते थे. मैं कई दफ़ा रात को 2-2 बजे तक मुझे नहीं आने देते थे, तो मैं बैठा रहता था, बातें चलती रहती थी. मैं तो ये कहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री के इस दरख्शां सितारे से रोशनी चुराकर मैंने अपनी हसरतों के दिए के लौ को रोशन किया है. आज भी मैं कहता हूँ, बहुत महान आर्टिस्ट हैं, सब हैं, लेकिन मुझे दिलीप साहब से बढ़कर कहीं कुछ नज़र नहीं आता. और शायरा को ऊपर वाला तसल्ली दे, शायरा ने भी एक माँ की तरह उन्हें संभाला है. लास्ट के दिन जब जो भी उनके गुजरे हैं वो चले गए, लेकिन उनकी यादें ना जा पाएंगी. तो मैं तो बस श्रद्धांजलि अपनी देता हूँ, डेडिकेट करता हूँ, उन्हें जन्नत नसीब हो. चौपट मोरा रोजगार हो नैन लड़ गई है तो मनवा मात सक होई बेटी है पटाखा तो दमक होई बेटी सभी का राजा हो या रंग सभी का अंत एक सा हो। सुख के सब साथी दुख में ना They say, show must go on. Thank you, sir. Thank you, everyone. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.